हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल मेडी गेम पेप्सी का स्वागत करता हूं आप इस वीडियो। गाइस आज के इस वीडियो का टॉपिक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के। ये जो टॉपिक होने वाले काफी सारे यूट्यूबर मतलब कोई भी यूट्यूबर इसके बारे में बात ही नहीं करता भाई। ये जो इसके ऊपर जो बात करता है प्लेयर से बात करता है, तो मैं सोचा इसके ऊपर मैं भी बात कर लेता भाई। ये जो टॉपिकल पैरेट का स्किन आप लोगों को पता ही होगा, टू शूटर का जो स्किन है, मेन स्किन जो रेयर स्किन है मतलब फास्ट स्किन आप लोग बोल सकते हो, तो स्किन को हम लोग लॉबी के अंदर इक्विप क्यों नहीं कर पाते भाई। वो तो लेजेंडरी स्किन है तो हम लोग उसको इक्विप क्यों नहीं कर पाते, एंड अगर कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो का न्यू है तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को आप पे सेट कर दो। फ्री फायर से टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अपडेट्स में लेके आता हूँ। फ्री फायर का सबसे रेयरेस्ट टू शूटर का स्किन माना जाता है जो टॉपिकल पैरेट का स्किन है, यानी स्किन जिसके पास है, जिन लोगों के पास है उन लोगों को ही पता होगा कि ये स्किन हम लोग जो लॉबी के अंदर इक्विप नहीं कर पा रहे। जो सोइन लॉबी का टिक मार्क होता है इस गन के ऊपर सो नहीं कर। हालांकि टॉपिकल पैरेट का स्किन जो है आपका यहाँ पे लेजेंडरी स्किन है, तो ये लेजेंडरी गन होते हुए भी क्यों हम लोग इसको सोइन लॉबी नहीं कर पा रहे। तो देखो गाइस, इसका दो रीजन हो सकता है। पहला रीजन है ग्लिच के वजह से हो गया है, मतलब अपडेट के बाद काफी सारे ग्लिचेस आता है ना गेम के अंदर, तो शायद इसके अंदर ग्लिच आ चुका है इसलिए सोइन लॉबी नहीं हो रहा है। दूसरा रीजन गैरेना ने खुद से ये किया है। अब हम में से काफी सारे बंदे बोलोगे भाई गैरेना ने क्यों किया है, इसमें क्या मजा आ रहा है उन लोगों को। तो भाई इसमें तो मजा है, वो क्या मजा मैं आप लोगों को बोलूंगा। गाइस आप लोग ध्यान से सुनो मेरा बात, फिर से सोचो भाई मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनो ठीक है। आप लोगों को जैसे कि पता है टॉपिकल पैरेट टू शूटर का सबसे रेयरेस्ट स्किन है एंड फास्ट स्किन माना जाता है, इसलिए स्किन बहुत ही डिमांडेड है। एंड गैना वाले तो यहाँ पे गन का बिजनेस करने आया है, मतलब लोगों को पता ही होगा गैना वाले जो गन का स्किन बेच के पैसा कमाता है भाई, आप लोगों को पता ही होगा। तो मान लो गैना वाले जो यहाँ पे एमोन 87 का एक न्यू स्किन लेके आया, मतलब टू शूटर का एक न्यू स्किन यहाँ पे गेम के अंदर लेके आया जो बहुत ही अच्छा एट्रीब्यूट के साथ आता है। एंड आप लोग अभी ऐसे ही सोच लो कि भाई एक बंदा ऐसा सोच रहा है कि वो एमोन 87 का जो न्यू स्किन आया है तो अभी उसको निकाल लेगा, लेकिन तभी क्या होता है, तभी उसके ग्रुप में एक बंदा आता है जिसके पास एमोन 87 का टॉपिकल पैरेट वाला स्किन है। आप लोग सोचो कि आप जब वो बंदा जो न्यू स्किन लेने वाला था उसने अभी देखा कि दूसरे बंदे के पास एमोन 87 का टॉपिकल पैरेट वाला ओल्ड वाला स्किन है तो क्या सोचेगा। तो भाई वो ऐसा ही सोचेगा ना, जो न्यू स्किन आया है एमोन 87 का उसको क्यों लूं मैं, उसके लिए तो मेरा पैसा बेकार वेस्ट जाएगा ना, क्योंकि आगे जाके अगर एमोन 87 का टॉपिकल पैरेट वाला स्किन आए तो उसको निकाल लेगा, क्यों इस स्किन को लेकर लेगा बताओ। तो ये एक रीजन हो सकता है कि एमोन 87 का टॉपिकल पैरेट का स्किन है जो है वो सोइन लॉबी इसलिए नहीं होता कि ताकि दूसरे बंदे को ना दिखे सोइन लॉबी के अंदर। तो अगर वो न्यू स्किन लेने वाला था आप तो नहीं लेगा ना, अबे मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ ये क्या हो सकता है इसका रीजन ठीक। एंड साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि ग्लिच के कारण से इसे सोइन लॉबी नहीं हो रहा है, तो अगर ग्लिच के कारण से हो रहा है तो अगले अपडेट में सब फिक्स हो जाएगा, गैन वाले फिक्स कर देगा ठीक है। तो गाइस बाकी ये वीडियो इतना ही था, मिलते किसी और न्यू फ्रेश वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।